सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हर एक वीडियो में मैं ये चीज नहीं कहता, लेकिन आज के वीडियो में कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो बहुत सारी चीजें मिस करोगे। अगर आप 2024 में कनाडा आने वाले हो या तो आप कनाडा में हो, तो ये पूरे वीडियो में हम बात करेंगे द रियलिटी। और कनाडा में अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या सी चीज करनी चाहिए, और अगर कनाडा में हो तो क्या क्या सी चीज करनी चाहिए। ये वीडियो का सीधा पर्पस ये है कि आपको थोड़ी रियलिटी बताई जाए, और रियलिटी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि आप उसको कैसे नेगेटिव चीज को ओवरकम कर सकते हैं, या तो उसको कैसे आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड तो ये पूरे वीडियो में हम पूरे स्टार्टिंग से बात करेंगे, अगर आप कनाडा में आने वाले हो तो कैसे आ सकते हो, उसमें क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और टिल टू द पीआर तक आपको क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या लर्न करना चाहिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने अराउंड के जो फ्रेंड सर्कल थे उसे सीखा है। तो पूरे वीडियो में यही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए, पीआर के लिए, या तो विजिटर वीजा वर्क परमिट के लिए अपनी कंट्री से कनाडा को अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर वो फ्रॉड में आप ना फंसे। बहुत सारे स्टूडेंट के ऑफर लेटर जो कॉलेज के हैं वो भी रिवोक हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप एक लीगल और ऑथराइज जो एजेंट है उसके साथ ही टाई अप कीजिए अपनी कॉलेज फाइंड करने के लिए, और कॉलेज के बारे में पहले इस रिसर्च कीजिए, ना कि एजेंट की बात सुन के आप वो कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। तो ये हो गई पहली बात, तो रिवॉक से बचे। और अगर आपका वीजा लग भी जाता है, आप कनाडा में आने ही वाले हो, तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की है। और बहुत सारी, पहले तो मैं आपको रियलिटी बता दूं कि कनाडा में जॉब मार्केट बहुत ही डाउन है। जो जॉब जिसको मिली हुई है वो भी आजकल छूट रही है, उसको निकाला जा रहा है, बिकॉज ऑफ द उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतना सेल नहीं हो रहा है। और अगर आप आते हो कनाडा में, और अगर आप 2024 में आप आने के बाद सोचते हो कि मुझे तुरंत ही जॉब मिल जाएगी, मेरे पास तो ये स्किल है, मैं तो कोई भी लेबर वर्क करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत सी बात है। आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ तक भी जॉब फुल ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके जीआईसी आ रही है उससे ही आप पूरा सर्वाइव कर जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। जीआईसी आ रही है और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मंथली आपके एक्सपेंस है, वो बहुत ही ज्यादा होंगे। आपको जीआईसी आने के बाद भी टॉप अप करना पड़ेगा, तभी आपके मंथली निकलेंगे उसमें। तो अगर मैं रेंट की बात करूं तो 400 टू 500 रेंट तो मिनिमम समझ लीजिए, शेयरिंग का 200, ग्रोसरी का समझ लीजिए, अदर एक्सपेंस को आप मिलाएंगे तो 1000 टू 1200 तो मिनिमम आपका मंथली क्रॉस चला ही जाएगा, तो आपको डेफिनेटली टॉप अप करना पड़ेगा। तो आपका उतना सेविंग्स अपने पास रखिए कि अगर आपको 9 मंथ तक या 6 मंथ तक जॉब नहीं मिलती है तो आप सर्वाइव कर पाए, तो आप डिप्रेशन में ना जाओ, ना ही आप गलत काम करने के लिए एंकरेज होंगे। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि इतना बैकअप लेके आए। दूसरा कि अगर आप यहाँ के बोल दो मैं तो लेबर जॉब कर लूंगा, मैं तो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, आप जो अपने रिज्यूम देने जाते हो वहां भी बताओगे मैं तो कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ये कॉमन सी चीज है, हर एक स्टूडेंट की यही मेंटालिटी होती है कि वो कुछ भी काम कर लेगा अगर उसको जॉब लीगल मिलती है तो। तो आप कोई डिफरेंस या अलग चीज नहीं सोच रहे हो, तो ये आप निकाल दीजिए कि मैं हर एक काम करने के लिए तैयार हूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। नहीं, आपको अपने आप में कोई स्पेशल स्किल चाहिए होगी अगर आपको जॉब चाहिए तो। और जैसा कि कहा कि आपको लेबर जॉब भी करने के लिए रेडी होना चाहिए, तो आप में कोई तो डिफरेंट स्किल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीख के आइए, जैसे कि लड़कियों के लिए मेहंदी हो गया, नेल आर्ट हो गया, लड़कों के लिए सलून हो गया, या तो फिर आप इलेक्ट्रिक का कुछ नॉलेज है आपको, या तो आप पिज्जा मेकिंग जानते हो, ऐसी कोई तो स्किल होगी यार आपको सीख के आनी पड़ेगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग सीख के आइए, इंडिया में इंडिया से लाइसेंस लेके आइए, रियल एस्टेट लेके आइए, यहाँ पे दिखाइए, कार लेके आप उबर इट्स या स्किप द डिशेस कोई फूड डिलीवरी कर सकते हो, तो ये सब के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आके इजीली जॉब अचीव कर पाओगे, या तो आप कोई अदर टास्क करके भी इनकम गेन कर सकते हो। तो सेकंड सी चीज जो यहाँ पे है वो एक वेदर है, तो वेदर आपको पता ही है कि बहुत सा कोल्ड होता है। अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो आप बहुत सा
कोल्ड वेदर आपको फेस करना पड़ेगा, स्नो होगा, आपको बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो तो बेसिक डिफिकल्टीज है। तो आप मैं तो बोलता हूँ थोड़ा विंटर के कपड़े भी अपने होम टाउन से लेके आइए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इधर आके तुरंत ही जाके शॉपिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सकते हो तो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि आप तभी अपने होम टाउन की करेंसी से कनाडा की करेंसी को कन्वर्ट करोगे, तो आपको वो प्राइस बहुत बड़ी लगेगी। तो थोड़े बेसिक से क्लोथ्स जो है विंटर के, वो अपने होम टाउन से ही लेके आए, तो आपको यहाँ पे खर्चा उसके लिए कम होगा। हाँ, अगर एक मैं और बात करूँ तो हर एक के कॉलेज का स्केड्यूल ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आके वो जॉब के अकॉर्डिंग टू आप स्विच कर सके। मोस्ट ऑफ लोगों के जॉब का स्केड्यूल मंडे टू फ्राइडे होता ही है। अब इफ़ यू आर लकी कि आपको उसमें से थोड़ा टाइम जॉब के लिए मिल जाए, लेकिन आपको मोस्टली टाइम तो मिलेगा नाइट शिफ्ट करने के लिए या तो सैटरडे और संडे जॉब करने के लिए, और सभी स्टूडेंट की वही प्रायोरिटी होती है, नाइट शिफ्ट, सैटरडे और संडे। तो ये टाइम पे तो जॉब अगर आप लुकआउट करोगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चांसेस आपको जॉब मिलने के बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा टाइम निकाल सको कि मंडे टू फ्राइडे डे टाइम में आप जॉब कर सको, तो उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन स्टिल उसके लिए जो कॉलेज का स्केड्यूल होना चाहिए वो कंपेटेबल नहीं हो पाता है बहुत बार, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, जॉब फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन स्टिल दे हैव टू वर्क आउट विद द स्केड्यूल, या तो कॉलेज में जाके या तो इधर उधर जाके आप बात कीजिए कि कैसे आप अपने स्केड्यूल को शिफ्ट कर सके या तो सेट कर सके कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवर्स जॉब के लिए मिल सके। द सेकंड कि अगर आप स्टूडेंट पे आते हो तो आपको डेफिनेटली अपनी बेसिक जो पढ़ाई है उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी बैकलॉग्स आएगी उतना आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सफ़र करना पड़ेगा। अगर बैकलॉग आपकी इकट्ठी हो गई तो आपको ईयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो अगर ईयर या सेमेस्टर आपका ड्रॉप हुआ तो डेफिनेटली अभी तो वीज़ा के लिए बहुत सी दिक्कत चल रही है, तो आप स्टडी वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। और मेरे थोड़े सर्कल में ऐसे भी केसेस है कि बिकॉज ऑफ बैकलॉग इतनी बढ़ गई थी, स्टडी वीज़ा कैरी नहीं कर पाए, तो फिर उनको वापस से वर्क परमिट नहीं मिली और उनको वापस से अपने होम टाउन जाना पड़ा, बिकॉज दे आर लाइक यहाँ पे सिर्फ जॉब करते रहे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अपने टास्क कंप्लीट नहीं किए। और कनाडा में एक चीज़ बता दूँ कि कनाडा में ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे एंडिंग में आप पूरे दो दिन निकाल के मेहनत करके पास हो जाओगे, ऐसा थोड़ा भी नहीं है। तो कनाडा का सिस्टम स्टडी का ऐसा है ना कि आपको पहले पहले दिन से ही जो असाइनमेंट, जो टास्क या तो जो ग्रुप वर्क होता है वो करना पड़ेगा, अटेंडेंस भी फुल देनी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही असाइनमेंट नहीं करोगे तो उसके पॉइंट कट होते जाएंगे, जैसे कि असाइनमेंट के 20 पॉइंट्स, ग्रुप वर्क के 20 पॉइंट्स, प्रोजेक्ट के 20 पॉइंट्स, अटेंडेंस के 20 पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर टू एंड तक मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप एंड में मेंटेन करने जाओगे तो आपका डेफिनेटली बैकलॉग लगेगा ही वही सब्जेक्ट में, तो आपको वो पहले से ही ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गई स्टडी की बात, जो आपको यहाँ करने आए वो तो डेफिनेटली करनी चाहिए। एक मैं बात करूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं ऐसा प्रीफर करूँगा कि आप जो अपने होम टाउन से आते हो तो ज़्यादातर अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ के जो बेसिक ग्रोसरी है जिसका आप 5 to 6 months या तो एटलीस्ट 3 months तक भी सर्वाइव कर सको, यहाँ से आपको ग्रोसरी लाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि रेडी टू कुक के पैकेट्स हो गए या तो नाश्ता जैसा हो गया, ऐसा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सको तो आपका उतना ज़्यादा दिन अच्छे से निकल जाएगा और आप उतना ज़्यादा अदर टास्क में इन्वॉल्व हो पाओगे, ना कि आपको ग्रोसरी करने जाना पड़े, फिर आप उसको कॉस्ट में कैलकुलेट करोगे, आपकी कॉस्ट लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर वापस आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली शेयरिंग रूम में रहना पड़ेगा, किसके साथ आपको कंफर्टेबल है नहीं है, या तो आपको बेसमेंट मिले तो बेसमेंट में रहना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा ठंडी ज़्यादा होती है, डिप्रेस फील होता है। तो ऐसी बहुत सारे जो सीनारियो है, बहुत सारी जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो रियलिटी अभी से समझ जाए और आप उसको फेस करने के लिए मेंटली रेडी हो जाए, ना कि यहाँ आके आप डिप्रेस हो जाए और फिर आप सोचे कि मैं होम टाउन चला जाता हूँ। तो ये ऐसी थोड़ी सिनेरियो होता है, 10 लोग हैं घर में, मिलके रहना पड़ता है, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें या तो लोकेशन रहने के लिए नहीं मिल पाती, आपको बेसमेंट में भी रहना पड़े, या तो फिर आपको खाने के लिए सामान है वो भी इनफ ना मिल पाए, तो वो सब के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आपको रिज्यूमे ले लेके पूरे दिन तक, विंटर हो या समर हो,
हर एक शॉप पे जाके देना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत सी कॉमन चीजें हैं। तो ये आप मेंटली प्रिपेयर होके आए कि आपको यहाँ आके एटलीस्ट स्ट्रगल वन ईयर तो करना ही है, और फिर वो स्टडी में हो या तो जॉब में हो या तो रहने में हो या तो खाने में हो या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में हो, हर एक में आपका स्ट्रगल होगा। तो अगर आप ये टाइम निकाल लेते हो तो डेफिनेटली यू गेट पॉजिटिव वाइब्स इन योरसेल्फ एंड आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो मैं अपने होम टाउन से नहीं लेके जाऊंगा, मैं वहां जाके खरीदूंगा क्योंकि वहां पे सस्ता मिलता है, लैपटॉप सस्ता मिलता है, आईफोन सस्ते मिलते हैं, मैं वहां जाके ले लूंगा। तो वो बात सही है, सस्ता मिलता है, लेकिन आपको वो सस्ता कब लगेगा, जब यहाँ पे आप वो अमाउंट में अर्न करने लगोगे। लेकिन आप स्टिल इन अपने होम टाउन की करेंसी से वो बाय करने की कोशिश करोगे तो आपको महंगा ही लगेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपकी लैपटॉप है तो अपने होम टाउन से ही, अगर कम प्राइस में है या तो थोड़ा कॉस्ट एडजस्टमेंट करके आप वो खरीद सकते हो तो लेके आइए। यहाँ आके आपके पास जो भी फोन है उसमें एक साल दो साल निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि आप यहाँ आके आईफोन ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए और आईपैड ले लीजिए, ईयरपॉड ले लीजिए, उसमें आपका मनी इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सब चीजों से दूर रहिएगा। यहाँ आके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की शॉपिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप अपने होम टाउन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही सर्वाइव कर सकते हो, उतना तो बेसिक चीज आपके पास अपने होम टाउन से ही लेके आना पड़ेगा। तो एक मैं जो न्यूज चल रही है और वो बाद में बता दूं कि होम क्राइसिस चल रहे, तो ये बात सही है कि होम क्राइसिस चल रहे, तो यहाँ पे जो हाउस है वो इतने इनफ नहीं है कि सब लोग को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके, या तो रेंट के लिए या तो बाय करने के लिए। तो आप आओगे तो आपको रेंट पे घर भी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम हो लग सकता है, या तो जब तक अच्छा सा ना मिले तब तक आपको थोड़े एडजस्टेबल कंडीशन में रहना पड़ सकता है, तो वो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। और एक न्यूज़ जो यहाँ पे अभी बहुत चल रही है पिछले एक दो वीक से, वो है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कनाडा में। तो या एक भी न्यूज़ सही है, पिछले कई दिनों से हर एक न्यूज़ चैनल पे और आर्टिकल्स में वही आ रहा है कि जो 2012 में रिवर्स माइग्रेशन था उसके अकॉर्डिंग टू राइट नाउ 2023 में वो ग्राफ बहुत ही बढ़ गया, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ हाउसिंग क्राइसिस, बिकॉज ऑफ नॉट फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। तो ये चीज़ों से लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ से आपको थोड़ा भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आपको पहले से ही अगर ये जानकारी होगी तो आप वैसे ही माइंडसेट करके आओगे कि भाई रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है, उसको अपनी जगह चले दो, आप अपने तरफ से पूरा ट्राई कीजिए यहाँ पे 100% देने के लिए। तो ये सब तो हो गई कि कॉलेज लाइफ की बात, अगर कॉलेज लाइफ आप कंप्लीट कर देते हो उसके बाद की जो रेस है वो मैं बोलूँगा कि बहुत हार्ड है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पीआर के लिए नॉक की जॉब की ज़रूरत है वो नॉक की जॉब ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में 100 लड़के हैं तो उसमें से सबको या तो फिर 90% लोगों को भी अपने नॉक की जॉब मिल जाएगी वही फील्ड की, और बहुत कम लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसी बात गलत है। मैं तो बोलूंगा कि 10% लोगों को ही आउट ऑफ 100 वो नॉक की जॉब मिलती है, अदर जो 90% लोग है या तो वो दूसरे फील्ड में जाते हैं या तो कोई और नॉक की जॉब जो उनके फील्ड के टोटली रिवर्स है उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो पीआर के लिए नॉक ओ ए बी चाहिए वो उसकी भी जॉब ढूंढना उतनी ही मुश्किल है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आफ्टर स्टडी तब तक एक मेंटली प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि कब मुझे जॉब मिलेगी, मैं वन ईयर कंप्लीट करूंगा तभी मेरी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में जा सकेगी। तो रेस वहां से स्टार्ट होती है, आपको डेफिनेटली फाइट करना पड़ेगा अपने नॉक की जॉब ढूंढने के लिए। और अगर आपको नॉक की जॉब मिल भी जाती है, आप कर भी लेते हो, तो भी फिर आपको अपना स्कोर उतना बिल्ड करना पड़ेगा कि आपका एक्सप्रेस एंट्री के पूल में जा सके और आपका उसमें नंबर लग सके, क्योंकि अभी जो ड्रॉ आ रहे हैं वो 500, 495, 510, 520 तक भी जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हायर डिग्री का एजुकेशन चाहिए प्लस नॉक की जॉब का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए और आपका आईएल्स का स्कोर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को अभी हम देख रहे हैं कि वो पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पीआर नहीं मिल रही है, तो और वो रिवर्स माइग्रेट भी कर रहे हैं, वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं। तो अगर कोई बात करता है कि नहीं कनाडा की लाइफ बहुत सही है, मज़ा आ रहा है, बहुत सही है, हमें तो कोई पीआर में दिक्कत नहीं है, वर्क परमिट में दिक्कत नहीं है, स्टडी भी हमने आसानी से हंसते हंसते कर ली, तो वो बात करेंगे वो 5 साल पहले यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि तभी का सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट था।
तभी इजीली आपको जॉब मिल जाती थी, आपको एजुकेशन भी इजीली कंप्लीट हो जाता था, ना ही कोई बैकलॉग लगती थी और पीआर के पॉइंट्स भी 400 420 पे आते थे, तो इजीली पीआर भी हो जाता था। लेकिन जो कोविड के बाद का जो सिनेरियो जो चेंज हुआ है ना, कि पीआर लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे जॉब ढूंढना मुश्किल हो गया, यहाँ पे हाउसिंग रेंट के लिए ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो इतनी सारी मुश्किल तो आपकी जो पूरी जर्नी है कनाडा की स्टूडेंट से लेके या तो वर्क परमिट से लेके पीआर तक की, उसमें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये जो रियलिटी हमने देखी हुई है या तो जो महसूस की हुई है अपने एनवायरनमेंट से, वही आपको फेस करवाया है, आपको बताया, तो थोड़ा वो मेंटली प्रिपेयर होके आइए। और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे, और जो आपको ज़्यादातर बताते रहे कि कैसे आपको कनाडा में सर्वाइव करना है, आपको क्या क्या सी चीज़ें करनी है, क्या क्या उन्होंने गलती की है, उनकी गलती से कुछ आप सीख सके ताकि आप वो गलती को ना दोहराए। तो कीप मोटिवेटेड। और जो कनाडा में आ रहा है 2024 जनवरी इंटेक में, वो स्टूडेंट्स को तो मैं वेलकम बोलना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा कि माइट भी आपको टफ टाइम भी मिल सकता है या तो गुड टाइम भी मिल सकता है, कि दोनों में आप अच्छे से सर्वाइव कर सको। और थोड़ा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होके आइएगा अपनी होम कंट्री से, तभी आपको यहाँ पे आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, क्या आपको क्या क्या सी बैग में सामान लाना चाहिए अपने होम टाउन से कनाडा में जब पहली बार आ रहे हो, या तो फिर आपको जॉब कैसे ढूंढ सके, या तो फिर आपको स्टूडेंट लाइफ कैसे निकाल सके, या तो हमने जो पिछले में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए थे यहाँ पे लाइव, वो अगर आपको चाहिए वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, तो हम उसका ज़रूर से वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको कनाडा के बारे में कुछ भी जानना हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ कनाडा के बारे में। दैट्स इट, ये था वीडियो। तो कोई भी कमेंट हो जरूर से कमेंट में डालिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।